नमस्कार, अपना पंचे देखब शुरू कर दिए हैं। एमपी संदेश न्यूज 24 बिंद क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल का हम अपने सभी दर्शकन के बहुत बहुत स्वागत करी थे। अब मुद्दा के बात ऐसा कि सीधी लोकसभा सीट, एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट भाजपा बड़े अंतर से कांग्रेस से यह चुनाव जीतीस। उस सबसे बड़ी बात यह पूरे चुनाव में यह रही कि एमा एक अलग नज़ारा देखे के मिला। कहे कि यह सीधी लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आबत है, जौने में सिगरौली जिला से 3 विधानसभा, सीधी से 4 और शहडोल से जिला से 1 विधानसभा व्यवहारी आवत है। यह पूरे चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय अर्जुन सिंह। पूरे चुनाव में यह कयास लगावा जा रहा कि अजय सिंह राहुल बड़े चेहरा ही और कांग्रेस कहो ना कहो मध्य प्रदेश में सरकार बनाए ही, तो जो उनके असर अच्छा खासा हुई। किंतु यह सब चीजन का नकार के भाजपा एक बड़े अंतराल से यह चुनाव जीतीस। हम आज समीक्षा ऐसे करी लगे कि समीक्षा की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल के विस्तार भा उमा भले बिंद माँ कांग्रेस का कम सीट मिली हो, किंतु पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल के पुत्र कमलेश्वर पटेल लगभग 32,000 के अंतराल से सिहावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते रहे और वह जीत के चलते बिंदेमा प्रतिनिधित्व मिला और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल बने। जौने के लय के कमलेश्वर पटेल का एक बड़ी जिम्मेदारी मिली रही किसी भी लोकसभा सीट हर हाल में जीत दिवावे का। किंतु चुनावी आंकड़ा और मतगणना के आंकड़ा ऐसा आए कि शायद मंत्री के जादू नहीं चला, कांग्रेस के जादू नहीं चला, कमलनाथ जी के जादू नहीं चला, यहां तक के राहुल गांधी के जादू नहीं चला। कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा लग है कि अब मोदी जी के जीत है। हम मानी थे मोदी लहर अंडर करेंट के रूप में रहा और साइलेंट वोटर खुल के नहीं बोलिन कि हम वोट के का दिए, जो उन्हें से अंदाज लगाऊ एक कठिन काम रहा कि क्लियर जानकारी जनता के सामने पहुंच पावत। मगर मतगणना के परिणाम चौंकावे वाले रहे और वह परिणामन में सबसे चौंकावे वाली बात यह रही कि जौन 8 विधानसभा क्षेत्र रहे उनमें सिहावल विधानसभा मंत्री कमलेश्वर पटेल के विधानसभा क्षेत्र, जहां से वो पिछले चुनाव का अपने चुनाव का 32,000 के अंतराल से जीते रहे, वहां भाजपा एक बड़े लीड से चुनाव में आगे रही। लीड ऐसा कि लगभग 18,000 वोट से आगे रही। अपना काम बता दी कि सिहावल में कुल वोट पड़े 1,46,015, रीति पाठक भाजपा प्रत्याशी का मिले 70,854 और अजय अर्जुन सिंह कांग्रेस प्रत्याशी का मिले 52,465, अंतर रहा 18,389। यह एक बड़ा अंतराल रहा। अंतराल की यदि समीक्षा की जाए तो 2 महीना के कार्यकाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शायद जनता को हुआ भरोसा नहीं दिवा पाए कि उनका विकास कांग्रेस के हाथ हो सकता है। किंतु यह फिगर जो 18,389 वोटन के है, यह बड़ा फिगर है और कहो ना कहो कांग्रेसों का एवं मंथन करे की आवश्यकता ही मंथन करे की आवश्यकता लगभग सीधी जिला में दबे जुबान लोग तरह तरह के चर्चा करते हैं और जो न एक राजनीतिक और पार्टी एवं स्वस्थ लोकतंत्र के निशानी न हो,
कहे कि हमका नहीं लागे कि कोई अपने पार्टी से विमुख हो के ऐसा कोनो काम करे हुई जो शायद पार्टी के सम्मान के खिलाफ हो। अब अपना का हम आठों विधानसभा के स्थिति स्पष्ट करी थे। सीधी विधानसभा सीट में भाजपा से केदारनाथ शुक्ल विधायक हैं, पिछला चुनाव लंबे अंतराल से जीते रहे और इंदर की लगभग अंतर जबरदस्त है, 31,300 के अंतराल से भाजपा एमा विजयी भई। कुल वोट पड़े 153,153, रीति पाठक भाजपा प्रत्याशी का मिले 84,036 वोट, अजय अर्जुन सिंह कांग्रेस प्रत्याशी का मिले 52,736 वोट, अंतर 31,300। बड़ा अंतर, भाजपा जौने का कहा जा रहा है कि एक काफी घुटन में बटी है हुआ पार्टी सीधी लोकसभा क्षेत्र में, किंतु जनता नकारिस और स्पष्ट रूप से बड़ी जीत सीधी में मिली। अब अगला विधानसभा क्षेत्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल के गृह विधानसभा क्षेत्र चुरहट विधानसभा क्षेत्र, 159,736 वोट पड़े, जौने में भाजपा से रीति पाठक 67,888 वोट पाई और अजय अर्जुन सिंह कांग्रेस प्रत्याशी 80,130 वोट पाए। यह एक ऐसा विधानसभा है जौने में कांग्रेस 12,242 वोट से एक बड़ा अंतराल यहाँ देखे का मिला, और जहां जनता एक चीज कही जा सकती थी कि चुरहट में अजय अर्जुन सिंह के सिंपैथी वोट खूब मिले, सिंपैथी वोट ऐसा मिले कि चुरहट विधानसभा क्षेत्र चुनाव हार चुके रहे जौने के चलते, वहां थोड़ा बहुत कहो ना कहो जनता के मन में एक सिंपैथी वोट रहा और जौने का जनता दिखाई से। अब अपना का हम अगले विधानसभा क्षेत्र धोहनी विधानसभा क्षेत्र में ले चली थे, जहां से भाजपा के कुंवर सिंह टेकाम विधायक हैं और बहुत महज कम अंतरण से विधानसभा के चुनाव जीते रहे कांग्रेस प्रत्याशी से, किंतु इधर की एक लंबा अंतराल 22,106 वोटन के, कुल वोट पड़े यहाँ 162,478, रीति पाठक का मिले भाजपा प्रत्याशी हैं 77,012, अजय अर्जुन सिंह का मिले कांग्रेस प्रत्याशी का 54,906, अंतराल 22,106, अच्छा अंतराल और एक कहा जाए सम्मानित वोट, 22,000 के लीड अच्छी खासी लीड मानी जाए इसका थी। और यह एक आदिवासी बेल्ट है, वो आदिवासी बेल्ट में शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों के जादू खूब चला, एका अपना मान सकी थे कि यहाँ आदिवासी वोटर खुल के नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह के योजना का वोट दी नहीं। अब चितरंगी विधानसभा, कुल वोट पड़े 159,985, रीति पाठक का मिला 1,553 वोट, अजय अर्जुन सिंह का मिला 34,282 वोट, अंतर रहा 66,271। अपना का बता दी चितरंगी विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा लीड दे के विधानसभा क्षेत्र रहा, ये 8 विधानसभा क्षेत्र में 66,271, मतलब एक तरीके से देखा जाए इतने में जीत हार एक विधानसभा क्षेत्र तय कर दिए, कहीं कि एक बड़ा लीड के आंकड़ा है, 60,000 के लीड मायना रखा थी 66,000 के लीड, किंतु परिणाम चौंकावे वाले रहे। कांग्रेस यहां अपन लीड माने रही भाजपा के, किंतु इतनी बड़ी लीड नहीं माने रही। अब हम अगले सिगरौली विधानसभा क्षेत्र में चली थे, कुल वोट पड़े 147,558 वोट, रीति पाठक भाजपा प्रत्याशी को मिले 90,054 वोट, अजय अर्जुन सिंह का मिले 39,300 वोट, अंतर रहा 50,754 वोट, बड़ा अंतराल, हालात लीड पर लीड, मतलब अपना एड से यह समझी कि तीन जिला, ये तीनों जिला में भाजपा का एक तरफा वोटिंग है, एक तरफा वोटिंग है। अजय अर्जुन सिंह जबरदस्त मेहनत करी, नो डाउट, एका अपना मान सकी थे कि यह चुनाव का अजय अर्जुन सिंह पंचायत स्तर के चुनाव में लड़े, पर जनता के दिलो दिमाग में मोदी सरकार के योजना और रीति पाठक के द्वारा किए गए कुछ ऐसा विशेष कार्य जैसा
1998 से लंबित ललितपुर सिगरौली परियोजना प्लस बैढ़न से दिल्ली के ट्रेन, कुछ ऐसा विशेष कार्य जोने का जनता जबरदस्त तवज्जो दिस और हालात ऐसा बनाइस कि लीड पर लीड लीड पर लीड। अब हम चली थे अगली विधानसभा देवसर विधानसभा क्षेत्र। कुल वोट पड़े 166,205 वोट। रीति पाठक का मिले 89,014 वोट। अजय अर्जुन सिंह का मिले 47,836 वोट। अंतर रहा 41,178 वोट के। 141,171 वोट सम्मानित परिणाम। अच्छा प्रयास भाजपा लगातार, मतलब यह सबसे बड़ा यह चुनाव में देखा वरा है कि भाजपा में जो यह मोदी के लहर के बात की जा रही, लहर के बाद सुनामी के बात की जा रही, तो यह सुनामी से ज्यादा तूफान में कन्वर्ट हो गया और यह में परिणाम चौंकावे वाले आए। अब सबसे अंतिम और अहम व्यवहारी विधानसभा सीट शहडोल जिला के कुछ हिस्सा व्यवहारी जो सीधी भी लोकसभा क्षेत्र में आबद है, ओकर स्थिति यह ही। कुल वोट पड़े 185,781। रीति पाठक का मिले 104,133। अजय अर्जुन सिंह का मिले 48,884। अंतर रहा 55,249। एक बात कही जा रही कि शायद व्यवहारी का थोका कम ध्यान देगा भाजपा के पिछले कार्यकाल में, जो निकले के शायद कांग्रेस ओकर फायदा उठावे के प्रयास कर रही, किंतु यह अंतराल देख के लागत है कि कोनो असंतोष नहीं रहा। और हाँ, सबसे बड़ी बात मोदी फैक्टर खूब चला। साथ ही मां सांसद रीति पाठक अब पुनः शपथ ले जा रही हैं। उस शपथ मां ले के बाद जनता की उम्मीद है कि सीधी लोकसभा क्षेत्र के विकास की तिर एक मील के पत्थर साबित हुई। अब जनता के द्वारा यह एक अपेक्षा की जा रही कि मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार हुई केंद्र के, और यहाँ तक कि समर्थकन में यह भरोसा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीधी का प्रतिनिधित्व करेंगे मौका मिली। अब तक आगे आवे वाला समय बताई और हम बहुत जल्द अपने के पास कुछ हो नई कहानी और नए अपडेट लेके हो मुद्दा लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, आपन सुझाव हमका अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद।